अम्बाला शहर के अनाज मंडी में दो प्रधानों के बावजूद आपसी तालमेल की कमी के चलते मंडी में आढ़तियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए शहर अनाज मंडी के किसान भवन में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान की चुनावी प्रक्रिया गठित की गई कमेटी ने पूरी कार्रवाई, जिसमें डॉक्टर रोशनलाल शर्मा को निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया गया। इसमें पूर्व आढ़तियों में पहले प्रधान को लेकर रोष भी देखने को मिला। आढ़तियों का कहना था कि मंडी में एक ही प्रधान होना चाहिए, जबकि पहले प्रधान अपने प्रधानगी छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके चलते वो नाराज होकर चुनावी स्थल से चले गए। इस अवसर पर नव निर्वाचित प्रधान ने कहा कि मंडी में बहुत समस्याएं थी, जिसको लेकर सभी आढ़तियों से बातचीत कर मीटिंग बुलाई और नया प्रधान बनाने की बात रखी गई और चुनाव करवाने के लिए सहमति से 6 मेंबरी कमेटी गठित की गई और फिर निर्विरोध प्रधान चुना गया। मंडी में बहुत सी समस्याएं थी। मंडी में कई सालों से दो दो प्रधान बन रहे थे, एक महीने से एक एक्सटेंशन 2 में और बन गया था। मैंने एक दोस्त से सलाह करी, यार मंडी में इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों ना इस मंडी को एक किया जाए। इसमें वो कह रहे फिर आगे में तो आए कोई, मैंने कहा आगे में मैं आऊँगा। मैंने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई, एक विश्व पर विचार विमर्श किया जाए। सबने विचार विमर्श करने के लिए 6 बंदे चुने, जिसमें निर्वाचन के लिए इलेक्शन के लिए डॉक्टर रोशनलाल ने एप्लीकेशन दी, कुलदीप सांगवान ने दी, 6 मेंबर चुने गए कि इनको चुनेंगे। उसके बाद सभी आढ़ती भाइयों के सहयोग से मुझे चुना गया। अब मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, जितनी भी समस्याएं हैं मंडी के साथ मिलकर करूँगा। समस्याएं हैं जैसे ट्रांसपोर्ट की है, ट्रांसपोर्ट में कणक में बहुत दिक्कत आती है, उठाने में पैसे चलते हैं, रिश्वत चलती है, और मंडी की सफाई है, मंडी का पानी है, मंडी का सीवरेज है। इन समस्याओं का मैं तय दिल से समस्याओं का हल करूंगा। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि मुझे सर्वसम्मति से बनाया गया है, मैं सारी मंडी का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।